गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, और हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है स्काई ब्लॉक। तो प्रीवियस वीडियो तक हमने किया था हमारा जो एनिमल स्पॉनर है वो कंप्लीट, और पर अभी तक उसमें कोई आया ही नहीं है। चलो कोई नहीं, जाने दो। तो हम इस बार 100 ट्रीज का जो हमारा चैलेंज था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हम 25 ट्रीज तक लगाने की कोशिश कर ही सकते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो में अदर ट्रीज लगा लेंगे। तो प्रीवियस वीडियो तक हमने थोड़ा बहुत अपना जो ट्रीज के लिए स्पेस है वो बढ़ा लिया था, अब हम उसके आगे का स्पेस बढ़ा लेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो फिर अभी हम आगे हमारे मॉब स्पॉनर के यहाँ पे, और इधर से हम पहले तो हम सारे बोन कलेक्ट कर लेंगे और अदर जो आइटम्स है वो भी। अरे उधर एक स्पॉन स्केलेटन स्पॉन हुआ है क्या यार, हमारा जो मॉब अपना जो एनिमल स्पॉनर उधर स्केलेटन स्पॉन हो रहा है। चलो कोई नहीं, जाने दो। तो पहले तो हम अपने जो सारे बोन मिल्स है वो कलेक्ट कर लेंगे, और अपने को तो बहुत सारे अभी बोन मिल्स लगने वाले हैं क्योंकि 100 ट्रेस करने का है, मतलब तो 100 ऑलमोस्ट डर्ट तो लगने ही वाली है। तो चलें कोई नहीं, तो पहले तो हम सारे डर्ट अपने कलेक्ट कर लेंगे। पहले इधर भी मैंने कुछ रखा था, अरे या बोन मिल्स और अपने जो पिकेक्स है वो पहले ले लेंगे, और इधर से कोबलस्टोन ले लेंगे, और हमारा जो स्पेस है उधर का वो थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। रुको भाई रुको, पहले तो हम सो लेंगे ताकि भाई कोई रात में मॉन्स्टर विंस्टर आया तो अपने को फिर से नीचे ना गिरा दे कोई। चलिए तो हो गई अभी सुबह, तो अभी हम पहले तो हमारे जो डर्ट ब्लॉक है वो बना लेंगे, इधर से हम अपने जो बोन मिल से वो कलेक्ट कर लेंगे। और इधर कुछ रखा है? नहीं, इधर नहीं रखा है, अंदर वाले बॉक्स में भी रह सकता है, कोई नहीं। तो पहले तो हम डर्ट बना रहे, डर्ट बनाने के लिए हमको चार जो बोन मिल से इस तरह से प्लेस करने पड़ेंगे, और इधर से हम डर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं पहले तो कलेक्ट सारे डर्ट। तो बाकी बोन मिल हम पहले तो हम स्टोर कर लेंगे हमारे जो चेस्ट है उसमें, और इधर से हम चलेंगे पहले हमारे जो एरिया है उसको एक्सटेंड करने थोड़ा सा, ताकि ज़ॉम्बीज उधर से ज़्यादा आ ना पाए। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे, तो इधर लगा लेंगे, इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे इधर से, और बीच वाला जो एरिया है उसमें हम वुड के स्लैब लगा लेंगे, और उधर से हम एक तो जैसा पुल जैसा कुछ बना लेंगे। तो पहले तो वुड स्लैब ले लेंगे अंदर जाके हमारे जो आई थिंक 2 ब्लॉक्स का ठीक रहेगा, ठीक है चलो जाने दो। तो 2 ब्लॉक लगा लेंगे इधर से स्लैब, सॉरी ब्लॉक क्या बोल रहा हूँ मैं, स्लैब्स लगा लेंगे। पहले तो एक स्लैब का बना लेंगे ताकि ज़्यादा अगर लगे तो हमारे जो एक्स्ट्रा ट्रेस हम लगाने वाले उससे कुछ मिल जाए अपने को। तो इधर से थोड़ा दूर बना लेंगे ताकि कोई ज़ॉम्बी इधर से आ ना पाए। अगर ये पुल जैसा रहेगा तो उसके एंड में हम गेट लगा सकेंगे, तो गेट लगा देंगे तो कोई ज़ॉम्बी हमारे जो मेन बेस है उधर तक नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर मैंने ये जो ट्री वाला एरिया है बढ़ा लिया, मतलब बना लिया, तो उसमें बहुत सारी ज़ॉम्बीज और जो स्केलेटन्स है वो स्पॉन होने वाले हैं। ये सेकेंडरी समझ लीजिए, सेकेंड अपना जो मॉब स्पॉनर है वो बन जाएगा। ओके चलो जाने दो। तो इधर से हम पहले तो प्लस जैसा हम बनाने वाले थे, तो इसके लिए हम इधर से तो बढ़ा लिया है एक एरिया, और अभी हम इस साइड से बढ़ा लेंगे। तो चलिए जल्दी स्टार्ट कर लेते। दोनों साइड से हमको दो एरिया है वो एक जैसा ही बनाने का है, तो ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे एक जैसा बना ही लें। मैंने उस साइड तो गिना नहीं है पर चलो ठीक है, कोई अंदाजे से कर लेते थोड़े से। अगर ये हमने कंप्लीट कर लिया ट्रीज वाला हमारा जो एरिया है वो, तो हमको बहुत सारे ट्रीज बनने वाले हैं, तो उससे हम सोचे क्या क्या बना सकते हैं। तो ये एक थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है जैसे अपना जो मॉब स्पॉनर था उसके जैसा, पर एट द एंड अपने को बहुत सारे वुड्स मिलने वाले हैं, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना पाएंगे। ओके तो उस साइड का एरिया तो कम्प्लीट हो चुका है, तो इस साइड से हम थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे। यार हमारे जो ब्लॉक्स है वो भी ख़त्म हो गए, चलो कोई नहीं, एक्स्ट्रा ब्लॉक्स तो है हमारे पास वो ले लेंगे। ओके तो अभी हम आ गए अपने बेस के इधर, और इधर से ओक लॉग ले लेंगे, और इसको हम प्लेस करके प्लैंक्स पहले बना लेंगे।
बहुत सारे अपने को स्लैब लगने वाले, तो बहुत सारा वुड तो हमको कलेक्ट करना ही पड़ेगा। चले तो कोई नहीं, ले लेंगे। अभी इससे हम पहले स्लैब बना लेंगे। तो स्लैब बनाने के पहले तो हमको क्राफ्टिंग टेबल तक जाना पड़ेगा और इधर से हम चेक कर लेंगे हमारे पास कितने स्लैब बन सकेंगे। अभी ले लेंगे, कलेक्ट कर लेते सारे। चले तो फिर से अपना काम शुरू कर देते हम। और इधर से पहले तो हम जो अपना पुल था उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पुल कंप्लीट करने के लिए हमारे जो स्लैब्स है वो उसको यूज़ कर लेंगे सारे। और इधर से इधर 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 और यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया हमारा पुल। और इसको भी थोड़ा सा इधर से बढ़ा लेंगे ताकि वो एकदम बड़ा या फिर छोटा ना लगे, इधर से उधर से बड़ा और इधर से छोटा ऐसा कुछ ना लगे उधर। अभी तो इस साइड का हमने एरिया कंप्लीट कर लिया है, अभी इस साइड का भी हम एरिया वैसा ही सेम कर लेंगे। उधर का भी कंप्लीट हो गया, इधर का भी कर लेते थोड़ा कंप्लीट। चले तो इधर का भी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हम अभी ट्री लगाने का काम शुरू कर देते हैं। पहले तो हम इस साइड का एरिया कवर कर लेंगे, पहले ही इधर एक ब्लॉक लगा लेंगे और इधर से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पैटर्न ऐसा रहेगा कि तीन तीन ब्लॉक छोड़ के हम एक डर्ट ब्लॉक रख देंगे ताकि हमको जो एरिया है वो थोड़ा एक्सटेंड, मतलब थोड़ा उसमें स्पेस रहेगा तो ट्रीज बराबर से ग्रो हो जाएंगी। अरे अरे यार, ऊपर क्यों लग रहा है, नीचे लग जा। चलो कोई नहीं, जाने दो। तो हम पहले तो इधर एक डॉट ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम इधर स्लैब लगा लेंगे। अरे क्या गलती से लग रहा है मेरा भी, हाँ इधर एक स्लैब लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम तीन स्लैब और अभी बीच में छोड़ देंगे तीन, और इसके बाद हम एक डर्ट ब्लॉक प्लेस कर देंगे। तो चलिए अभी बाकी के भी ऐसे सेम पैटर्न में डर्ट ब्लॉक लगा कर रख देंगे। ठीक है, तो ये एरिया तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसके आगे का एरिया बना लेंगे। तो इस साइड से भी हम तीन ब्लॉक छोड़ के उधर डर्ट ब्लॉक प्लेस कर देंगे। तो इधर से हम तीन ब्लॉक आगे चले जाते हैं और इधर से पहले तो हम स्लैब लगा लेंगे सारे, दो और तीन। ठीक है, तो अभी तीन ब्लॉक छोड़ के अभी हमको एक डर्ट ब्लॉक लगा देना है। तो यही सेम पैटर्न हम सारे ब्लॉक्स, मतलब उधर जैसा हमने किया था सारे लाइन में, वैसे सेम लाइन इधर भी बना लेंगे। तो चलिए अभी बाकी सारे ब्लॉक्स हम इधर प्लेस कर देंगे, इधर से हम बाकी स्लैब लगा लेंगे। और अरे भाई रात होने वाली है तो अभी सोना पड़ेगा अपने को। चलिए तो अभी हम पहले बाकी सारे ब्लॉक्स प्लेस कर देंगे जल्दी जल्दी और उसके बाद हम सोने के लिए चले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं यहाँ से भी। और अरे यार, ये दो दो ब्लॉक क्यों लग रहे हैं मेरे, अरे इधर भी लग गया। अरे यार, इसको अभी तोड़ना पड़ेगा फिर से। तोड़ जा तोड़ जा। अरे भाई दो दो, अरे दो दो ऐसे कैसे हो रहा है, एक ही टूटना चाहिए ना ऊपर वाला, दो दो क्यों टूट रहा। अरे ये भी टूट गया ऐसे ही, भाई गिर ना जा अपन। चलो जाने दो, पहले तो हम सो लेंगे। चले तो हो गई अभी सुबह और पहले तो हम अपने सैपलिंग्स कलेक्ट कर लेंगे अपने चेस्ट से, और बहुत सारे। चलो तो अभी इधर से हम सैपलिंग कलेक्ट करके उधर लगा लेंगे ताकि अगर कोई ट्री ग्रो हो जाता है तो अपने को और भी स्लैब्स मिल सकते हैं। तो इधर से हम स्टार्ट कर देंगे, एक दो तीन चार और पाँच, तो ऐसे ही इसमें भी लगा लेंगे। चलिए तो अभी हमने सैपलिंग तो लगा लिया है, अभी बाकी का जो लाइन है वो कंप्लीट कर लेंगे। चले तो फिर सेकेंड लाइन भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड लाइन के यहाँ पे। अरे ये ट्री भी बड़ा हो गया अभी, देखा कहा था ना कि अभी अपने पास बहुत सारे ट्रीज होने वाले हैं। तो चलिए अभी थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं, पर उसके पहले अपने जो डर्ट ब्लॉक है वो तो ख़त्म हो चुके थे, तो अभी हम और डर्ट ब्लॉक ले लेंगे और अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। चले तो फिर तीसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, तभी हम एक्स्ट्रा जो ब्लॉक्स लगे हुए थे उसको हटा लेंगे
यार ये एक्स्ट्रा ब्लॉक क्यों लग जाते हैं जल्दी से। अरे भाई अपने पास एक्स्ट्रा ट्रीज भी आने लगी भाई, तीन तीन है वो भी। देखा अभी से अपने को ट्रीज मिलने शुरू भी हो चुके हैं। चलो तो फिर तीन लाइन तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी की दो लाइन भी कंप्लीट कर देते हैं। उधर का काम ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट होने के लिए आया है, पर पहले हम इधर एक फेंस लगा लेंगे ताकि कोई इधर से जॉम्बी आ ना पाए। थोड़ी सी फेंसिंग रहेगी तो कोई जॉम्बी इधर तक आ नहीं पाएगा। अरे यार ये ऊपर कितना गंदा दिखता है ये, ऐसा कोई नहीं उसके नीचे स्लैब लगा लेंगे तो थोड़ा अच्छा तो दिख जाएगा उतना। स्लैब्स किधर है? हाँ इधर एक गेट भी लगा देंगे। अरे यार अभी ये गेट कैसे लगा देंगे हम इधर उधर, और एक स्पेस बढ़ाना पड़ेगा लगता है मेरे को। कोई नहीं नेक्स्ट टाइम और थोड़े ब्लॉक लगा देंगे उधर, अभी लगा देते ना। चलो स्लैब ले लेते हैं हमारे, और इधर से अभी थोड़ा एक्स्ट्रा स्लैब लगा देंगे और एक लाइन बढ़ा देंगे। तीन लाइन का कर देंगे हम, मतलब तीन ब्लॉक्स का। चलो फिर एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हमारे तो लग चुके हैं, अभी नीचे हम थोड़े से स्लैब लगा देते हैं तो थोड़ा मतलब ये एरिया अच्छा दिखे। चलो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये बीस में चा, अरे यार ये एक रह गया कैसा, इसको निकालना पड़ेगा। अरे यार ये पिकैक्स भी नहीं मेरे पास, कोई नहीं एक से ही तोड़ देते। टूट जा यार, इसे तोड़ना मतलब बहुत टाइम लगेगा। चलो भाई टूट गया आखिर का। तो बाकी के एरिया में हम अपने जो स्लैब है उसको लगा देंगे इधर इधर और एक इधर, इस साइड में भी एक होना चाहिए था पर चले दो कोई नहीं। तो अभी हमारा एरिया ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो चुका है और देख ही सकते हैं आप उधर हमने पांच ऑलमोस्ट कर दिए हैं, हमने सारे ब्लॉक्स लगा दिए। अभी जो एक्स्ट्रा ये है एरिया उसमें हम देखेंगे बाकी में कुछ कर लेंगे उसका। आप देख ही सकते हैं हमारे कितने ट्रीज अभी ग्रो भी हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये थोड़ा सा एरिया बचा है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अभी। चलो तो अभी ये लास्ट लाइन बची है हमारी, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अरे भाई ये कैसे गिर गया ये? नहीं अरे अरे यार ये क्या हो गया था? कोई नहीं पहले हम सो लेते बाद में देखेंगे क्या हो रहा था अपने साथ उधर। भाई मैंने स्प्रिंट किया था फिर भी ऐसा कैसे गिर गया मैं? ये क्या यार, ये क्या नशे करके रखता है माइनक्राफ्ट। चलो देख कर आते पहले तो, भाई हमारा सब कुछ चला गया है। कोई नहीं हमारे पास जितने भी थे अभी उससे ही काम करवा लेंगे। देख लीजिए भाई मतलब मैं कैसे गिर गया था, इस ट्री की वजह से गिर गया था मैं। देखा ये ट्री उधर अचानक ही उग गया और मैं नीचे ही गिर गया सीधा। क्या यार ये ट्री भी ले भाई तू ले मर जा उधर। अभी ये वाला स्पेस अभी कंप्लीट कर देते हमारा। तो फिर ये एक लास्ट का ब्लॉक बाकी है। चलो भाई अभी हमारा एरिया तो कंप्लीट हो चुका है, हमने 25 ट्रीज कंप्लीट कर लिए। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो एक्स्ट्रा बाकी अभी ट्रीज है, मतलब 100 अभी है ना, मतलब 75 बाकी है, तो 75 ट्रीज को हम लगाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो तो फिर इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमको बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर के गोल तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और हाँ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।